तो गल है मुसीबत पै जाती है ना परमात्मा कटेगा भी, लेकिन यह है कि जोड़ा चला गया बस वो वापस नहीं आ सकता, वो बाकी सारे रस्ते कोई ना कोई निकल जाएंगे, जो नुकसान ये हो ना ये वापस नहीं आना। मेरा भी दलेरी कटनी है, अलावा कोई है साढ़ा चला गया ना इसे साढ़ा भी गया से मतलब जरा गया। देखो ये है कि भाई साढ़े सामने ये है कि इन शादी हुई है कि बच्चे ने बस है ना, लेकिन यह है कि दिल वड्डा करके निकलना पैना जिंदगी और तो कुछ कर नहीं सकते। किसी का मकान टुट जाए ना तो बंदा किसी का मिल के भर सक बना सकता है, ये वाला जो टुटता है ना मकान पर ये नहीं कोई बना सकता है। मेरे लिए दुनिया के बिल्कुल आगे ना एक बाग सा लगा, तो जो तो नजर में है वो वहाँ लिखा है, घर में लड़ाई होगी वहाँ लिखा है। मैं गया वहाँ पे तो चारपाई एक जगह तो एक जगह एक चारपाई के नीचे टीपा रख के उसके ऊपर दो ही। देखो एक गल है मुसीबत पै जाती है ना परमात्मा कटेगा भी, लेकिन यह है कि जोड़ा चला गया बस वो वापस नहीं आ सकता, वो बाकी सारे रस्ते कोई ना कोई निकल जाएंगे, जो नुकसान ये होया ना ये वापस नहीं आना। मेरा भी दलेरी कटनी है, अलावा कोई है साढ़ा चला गया ना इसे साढ़ा भी गया से ना मतलब जरा गया। देखो ये है कि भाई साढ़े सामने ये है कि इन शादी हुई है कि बच्चे ने बस है ना, लेकिन यह है कि दिल वड्डा करके निकलना पैना जिंदगी और तो कुछ कर नहीं सकते। किसी का मकान टुट जाए ना तो बंदा किसी का मिल के भर सक बना सकता है, ये वाला जो टुटता है ना मकान पर ये नहीं कोई बना सकता है। मेरे लिए दुनिया के बिल्कुल आगे ना एक बाग सा लगा, तो जो तो नजर में है वो वहाँ लिखा है, घर में लड़ाई होगी वहाँ लिखा है। मैं गया वहाँ पे तो जमीनी विवाद में जिस तरह से नौजवान युवक अवतार सिंह की जान चली गई, महज 8 महीने का उनका बच्चा, आज उनका परिवार न्यूजीलैंड से जम्मू पहुंच चुका है और कल 4 बजे के करीब उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। और वहीं अगर आप दृश्यों में देख सकते हो किस तरह से डीसी जम्मू के साथ साथ एसएसपी जम्मू जो हैं वो आज अवतार सिंह के घर पहुंचे हैं और परिवार से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण पल रहा कि किस तरह से जमीनी विवाद के चलते एक युवक की जान चलेगी, हालांकि अब कार्रवाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे हो रही है और देखने वाली ये बात रहेगी कि पुलिस आने वाले समय में किस तरह से इन मामलों में आगे रहती है और ताकि इस तरह के हादसे फिर ना हो, ये भी अपील पुलिस से रहेगी। वहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है वो सब इस परिवार के दुख में शामिल हो चुका है और इस समय डीसी जम्मू के साथ साथ एसएसपी जम्मू जो है वो इस समय इस परिवार में पहुंचे हुए हैं और बातचीत जो है वो यहाँ पे चल रही है। देखते रहें जेके चैनल।